ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को नवग्रहों का सेनापति का दर्जा प्राप्त है। बता दें कि कुंडली में मंगल शुभ स्थान पर विराजमान हो तो राजयोग दिलाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास भी जगाते हैं। इसके साथ बताते चलें कि मंगल 2 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और वो नीच राशि में प्रवेश करेगा। चलिए इससे जुड़ी और भी जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह 2 जून को अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी नीच कर्क राशि में आ रहे हैं। मंगल ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली में अगर मंगल ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो राजयोग दिलाते हैं, यानी मंगल अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल आपके जीवन में अमंगल का विष भी घोल देता है। वैसे तो मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन जब मंगल शुभ होते हैं तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, सेना और पुलिस जैसे क्षेत्रों में उच्च पोजीशन पर ले जाते हैं। लेकिन जब मंगल अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को कई बार क्रोधी भी बना देते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास जगाते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। 2 जून को मंगल ग्रह जब राशि परिवर्तन करके अपने नीच कर्क राशि में आएंगे तो उनके इस गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। 6 राशियों को खास तौर पर सावधान रहना होगा। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा ऐसी कौन सी 6 राशियाँ हैं जिन्हें मंगल अपने कर्क राशि में जो उनके नीच राशि है उसमें गोचर के दौरान थोड़ा अशुभ फल भी दे सकते हैं और इन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये 6 राशियाँ हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि। इनमें जो वृषभ राशि वाले हैं उनको कार्यक्षेत्र में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना होगा। जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें वाद विवाद से दूर रहना होगा, कार्यक्षेत्र में हर किसी पर भरोसा ना करें, धन हानि हो सकती है, इस समय धन का सोच समझ कर खर्च करें, वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों को दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आ सकती है, वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा। जो सिंह राशि वाले हैं उनको अभी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, अभी नया वाहन और फ्लैट खरीदने का आइडिया टालना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। और कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है ये शुभ कहा जा सकता है, आर्थिक पक्ष जो है वो थोड़ा कमजोर रहेगा, इस अवधि में धन हानि भी हो सकती है और कार्यक्षेत्र में भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना होगा। और जो 6ठी राशि है जिसे खास तौर पर सजग रहना होगा और वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन शुभ नहीं कहा जा सकता, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो बाकी के 6 राशियां हैं उनके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन सामान्य रहने वाला है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 2 जून को मंगल ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी नीच कर्क राशि में आ रहे हैं। मैं गुरमीत बेदी। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।